हेलो यंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झलक यूथ स्किल एंड रिसर्च चैनल। फ्रेंड्स, आपने एंजॉय किया होगा जो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की थी। आगे से हर महीने में इस प्रकार से एक जो है लाइव वीडियो आपको लाइव स्ट्रीमिंग जरूर रहेगी। तो उसमें नया टॉपिक होगा, आपको मैंने कहा, पहले भी बोला, आप फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप कोई विशेष अगर टॉपिक चाहते हैं तो वह आप मुझे व्हाट्सएप में या वैसे वीडियो में, आज की वीडियो में आप नीचे मैसेज करके भेज सकते हैं। ऑलवेज वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ जो मेरा एक इनोवेटिव प्रोडक्ट था, मेरा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट था। तो उसमें मैंने ऑर्गेनिक वेस्ट, हाउस होल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट से मैंने जो है बायोडिग्रेडेबल दिए बनाए थे। क्योंकि जो हमारी नदियाँ हैं, अक्सर आप देखते हैं कि हर नदी पर पूजा अर्चना होती है, वहाँ पर जो है दिए जलाए जाते हैं। तो दियों को अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो पत्तल रहते हैं उसके ऊपर जो है वो सिल्वर कलर की या मेटल की कोई कवरिंग होती है, तो उस पर वो दिया रख कर के जो है डाला जाता है। तो मैंने इस पर वर्क किया था, वह बहुत ही सुंदर मेरा लाइवली इको फ्रेंडली लाइवलीहुड जनरेशन पे एक प्रोजेक्ट था। आई वॉज अवॉर्डेड बाय द DST एज ए वुमेन साइंटिस्ट। इट वॉज फ्रॉम द 2010 to 2012। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने प्रोडक्ट प्रिपेयर किए हैं जो कि हमारे घर का जो वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट हमारा क्या है, किचन में जो भी हमारी सब्जियां हैं, सब्जियों के छिलके, है ना, गोभी है, मटर है, जो भी चीज़ है उसके जो छिलके हैं उनको, और उसी के साथ में और भी हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि हमारे यहाँ टेलर्स के यहाँ जो है छोटी छोटी कतरनें बहुत सारी मिलती हैं, निकलती हैं, तो वो अक्सर जो है टेलर जला देते हैं, तो उनको मिला करके। और जो हमारा फ्लावर मार्केट है, जहाँ पे कि फ्लावर बुकेज होते हैं, जब कुछ जो है यूज नहीं होते हैं तो वो वहाँ पे अगले दिन जो है वो कूड़े में फेंक दिए जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं। तो जो हमारे जो शॉपकीपर्स हैं फ्लावर बुके बनाने वाले, तो वो बेचारे क्या करें, अब वो मुरझा गया फ्लावर, तो वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो उसको लेकर के मैंने, और साथ में ही हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर जो पूजा अर्चना में फूल माला चढ़ती है या फूल चढ़ते हैं, तो उनको मैंने कलेक्ट करके जो है ये दिए बनाए थे, ताकि इनका जो कलर रहे वो नेचुरल कलर रहे और फ्रेग्रेंस भी इसमें नेचुरल फ्रेग्रेंस रहे। और जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कि इतना सड़ता है, जो कि म्यूनिसपैलिटी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि इतना कलेक्ट हो जाता है और फिर वो ओपन में ही जो है रॉट होता रहता है, सड़ता रहता है, क्योंकि हमारी हर जगह की जो म्यूनिसपैलिटी है उनके पास अपने जो है पैराफर्नेलिया नहीं है, सॉलिड वेस्ट डीजनरेशन के लिए उनके पास इक्विपमेंट्स, मशीनरी नहीं है, तो वह जो है इंसिनेटर्स नहीं है, तो वह जो है वेस्ट जो है पड़ा रहता है और सड़ता रहता है। और आपने देखा होगा कि अक्सर कूड़े के ढेर पर हमारे जानवर जो हैं, गाय भैंस जो हैं, वो बेचारे वहाँ पे खाते रहते हैं, चरते रहते हैं, और उसमें वो काफ़ी जो है वेस्ट भी जो है कई तरह का जो होता है, पन्नियाँ हैं, प्लास्टिक है, इस तरह की चीज़ें, कांच वगैरह भी जो कई बार है उन जीवों के पेट में चला जाता है। तो यह भी आपने कई बार न्यूज़पेपर में और पढ़ा होगा कि कई जगह पे इतना इतना जो है कई गायों के, एनिमल्स के ऑपरेशन किए गए तो वो जो है कचरा उनके पेट से निकला। तो ये एक हमारे अनहेल्दी प्रैक्टिस भी है कि हम जो है पॉलीथीन में रैप किया और फेंक दिया, या अपने घर में हम डस्टबिन में डालते रहे, हमने ऑर्गेनिक छिलके भी डाले और उसके साथ में हमने कांच की बॉटल कोई टूट गई है, कप टूट गया, वो भी हमने बीच में डाल दिया और उसको इकट्ठा करके पॉलीथीन में रैप करके हम जो कूड़े वाला आया कूड़े वाला ले गया, या बड़ा कहीं पे जो डस्टबिन है तो वहाँ आपने डाल दिया, तो वहाँ वो एनिमल्स आके खाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक तो वह समस्या नहीं होगी और दूसरा जो सॉलिड वेस्ट का है, ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट का है, एक अच्छा उपयोग, ताकि हमारी नदियाँ भी जो हैं वो पोल्यूट ना हों। तो उसके लिए मैंने ये दिए बनाए, यहाँ पे आप ये फोटो देखेंगे और उसके बाद में आप एक लाइव वीडियो भी देखेंगे जो मैंने उस समय में हरिद्वार जा करके मैंने वहाँ पर जो है इन दीवों को वहाँ पे अर्पित किया और देखा, एक स्टडी किया, लाइव स्टडी किया कि वो कितनी डिस्टेंस तक जाते हैं। उसमें मैंने और भी बहुत उसका अपग्रेडेशन किया कि जिस तरह से वो बहुत जल्दी जो है गीले ना हो जाएं, बहुत जल्दी जो है वो डिग्रेड ना हो जाएं, क्योंकि दिया जब पूजा अर्चना हो रही है तो हर एक का मंशा ये होती है कि जो दिया उन्होंने जल धारा में डाला है वे दूर तक जाए। तो मैंने उसके लिए वह स्टडी किया था कि कितनी डिस्टेंस तक वो जाते हैं, ताकि वह अच्छे से जो अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ आप ये फोटोग्राफ देखेंगे और वो छोटी आप एक वीडियो देखेंगे, आप इसे एंजॉय करें, अप्रिशिएट करें। ये एक मेरा इनोवेटिव आइडिया था, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।